नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नगर पुलिस द्वारा आमजन को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और आधुनिकता के दौर में साइबर क्राइम ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। साइबर क्राइम को कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से शातिर अपराधी अपने घर बैठे बैठे भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर बैंक संबंधित डिटेल हासिल कर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। बुधवार को शांति समिति की बैठक में तेज तर्रार थाना प्रभारी धीरज सिंह सोलंकी ने बताया कि साइबर अपराध से बचने के लिए तकनीक के इस्तेमाल करने संबंधित जानकारी होनी तथा सतर्क होना जरूरी है। पुलिस द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए आम जन को साइबर क्राइम की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। पुलिस के साइबर विशेषज्ञों द्वारा आमजन व स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को साइबर क्राइम से बचाव को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में विस्तार से बताया जा रहा है। आधुनिक और टेक्नोलॉजी के युग में कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की मदद से किसी भी मोबाइल अथवा कंप्यूटर में घुसपैठ कर सकता है। हर रोज समाचार मिल रहे हैं कि साइबर अपराधियों ने बैंक खाते से पैसा निकाल लिए। इसके अलावा साइबर अपराधी कहीं से भी किसी भी वेबसाइट को हैक करके उसमें सेंध लगाने की कोशिश करते रहते हैं। सभी लोग इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यक्ति उसमें अपनी सारी जानकारी साझा करता है। फेसबुक, व्हाट्सएप व अन्य साइटों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी होगी। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से इंटरनेट बैंकिंग, ATM, ईमेल, फेसबुक संबंधी ID व पासवर्ड को गोपनीय रखने की बात कही। यहाँ तक कि परिचितों व रिश्तेदारों से भी गोपनीय कोड छिपा कर रखने को कहा। ऐसी घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। बैठक का संचालन हरभजन सिंह, अमन सिंह ने किया। नूरपुर से हमारे संवाददाता गुलफाम राजे की रिपोर्ट। और एक बार हमने ऑन कर दिया तो फिर समझो कि पैसे कटने कटने हैं, फिर भाग दौड़ के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो किसी की अनर्गल पोस्ट, मतलब किसी ने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे 20,000 रुपये रह गए हैं, 40,000 मैं तुम्हें डाल रहा हूँ, तुम मुझे अपने खाता बता दो, बिल्कुल मत बताना। आता है ना फ़ोन कि भाई मैं फलानी जगह फंस गया हूँ, कश्मीर में मैं फौजी बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी जिसको आप नहीं जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, आपका यूट्यूब पे उस पर ट्रू कॉलर पे नंबर डालेंगे और आपका नाम निकल के आ जाएगा, कहेंगे हाँ भाई क्या नाम है, समीम कैसे हो, तो तुम सोचेगा जरूर कोई जानने वाला है, नंबर उसने उसने निकाल लिया उससे ट्रू कॉलर से। फिर वो कहेगा यार इसमें ऐसा करो 2,000 रुपये डाल दो, ऐसी सी बात है, भले तुम जानते ना हो, जैसे ही तुमने कुछ गलती की तुरंत आपके पैसे कट जाएंगे अकाउंट से। तो इस मोबाइल को सिर्फ सुनने के लिए, अपने लोगों से बात करने के लिए, और अगर आप फोन पे या जो भी चला रहे हैं उसको बहुत सावधानी से करें। और ये बातें अपने घर पे जाके अपने रिश्तेदारों में और लोगों को बताना। अनर्गल पोस्ट पर बिल्कुल क्लिक नहीं करेंगे, किसी को अपनी बैंक संबंधी जानकारी नहीं देंगे। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमारे पास आइए, अगर कोई फ़ोन कर रहा है कुछ कह रहा है तो आप हमारे पास आइए, हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी से भी अपनी गोपनीय बात, ये बैंक संबंधी बात तो गोपनीय है, किसी से शेयर मत करो। उसके होते हैं लोग कहते हैं भाई आधार का वो फोटो कॉपी, ठीक है, चलिए साहब बताइए। मैंने बता दिया, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे थे आप पासबुक का नंबर वो दे दीजिए, अकाउंट नंबर दे दीजिए, बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को बहुत जागरूक रहना है और हम लोग स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को भी इस तरह से जागरूक करेंगे, जिससे क्योंकि हमारी नई पीढ़ी ज़्यादा मोबाइल चला रही है और वो अपने माँ बाप को अच्छे से बेहतर बता सकेगी। कोई भी अननोन लिंक है जो आपकी जानकारी का नहीं है, आपके मतलब का नहीं है, उस पर क्लिक नहीं करना है। फिर नीली नीली सी आता है ना लिखा हुआ, उसमें कुछ समझ नहीं आता है, अजीबो गरीब से नंबर लिखे रहते हैं, आपने क्लिक किया आपका पूरा साफ है गाँव, और आप कहीं फिर दिक्कत में आएंगे, दुनिया भर भागना घूमना पड़ेगा, आपका पैसा वापस नहीं आएगा। उसके लिए व्यवस्था है, हमारे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं हम लोग उनके अपना उसमें FIR करते हैं, उसके हिसाब से फिर वो प्रोसेस में चलता है। एक लॉन्ग प्रोसेस है उसका, एक नंबर है 1930 है जिसपे हम लोग कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपने पैसे को बचा सकते हैं हम लोग। 1930 नंबर है, टोल फ्री नंबर है। पहले ये नंबर से ढूंढोगे, बैंक मैनेजर को ढूंढोगे, थाने आओगे, थाने सबसे पहले थाने दौड़ के आओगे, सब पैसे निकल गए,
तो ये चीजें हैं। अरे कोई फोटो खींचेगा। दूध दही मावा पनीर मट्ठा क्रीम मक्खन घी के लिए शमशेर डेयरी पर पहुंची। यहाँ शादी पार्टी जन्मदिन आदि के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। पता है ग्राम मुस्सेपुर पाली नूरपुर रोड आकू 3 किलोमीटर मुस्सेपुर पाली बिजनौर। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।